एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में, इस वाले व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी रॉयल एनफील्ड दिखाने वाला हूं जिसमें दो लाख बीस हज़ार रुपये ऊपर से लगाए गए हैं। मतलब सोच रहे हो जितने की मोटरसाइकिल आती है उतना ही पैसा और लगा दिया गया है, तो कितनी कूल लग रही होगी। बाय द वे थोड़ा सा आपको पीछे दिख रहा है। तो इस रॉयल एनफील्ड के बारे में एक एक चीज़ स्पेशल है, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया और एकदम इसका लुक पलट दिया गया है। कहीं से भी आपको ये एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड नहीं लगने वाली, एकदम डिफरेंट लगने वाली है। तो दिखाता हूँ 3, 2, 1। सो दिस इज द मोटरसाइकिल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। पूरी डिफरेंट है, आप देख रहे हो क्या लग रही है बॉस, क्या एकदम अलग ही लुक आ रहा है। ये देखो, मतलब गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी, मैंने अभी तक इससे पहले कोई रॉयल एनफील्ड में नहीं देखी है, तो इसमें ना इसमें इंग्रेविंग की गई है, दैट टू 3D इंग्रेविंग की गई है। अब ये कैसे किया है मेरे को आइडिया नहीं है क्या किया है। देख रहे हो आप, ये जो टैंक पे पूरा डिज़ाइन है, ये सिर्फ पेंट नहीं है, ये उभरा हुआ है पूरा प्रॉपर, और बड़े ही फिनिशिंग के साथ इसको रेट्रो टच दिया गया है। बाकी टैंक भी देखो चेंज किया गया है, टैंक में भी डिज़ाइन दी गई है, ऐसा ओल्ड लुक दिया गया है कॉपरिश कलर में। उसके अलावा पूरी गाड़ी में यहाँ पे बहुत ही रॉयल आर लिखा हुआ है। ऑफकोर्स रॉयल इनफील्ड है तो काफ़ी रॉयल होना भी चाहिए था इस आर को। और यहाँ पे ये जो लोगो बना है ना, MM आप देख सकते हो, डबल M बने। दिस लोगो इज़ फॉर मराठा मोटरसाइकिल्स। इससे पहले मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था कहाँ पे क्या है, ये मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और क्या काम किया है भाई लोग ने, ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये वाली जो मोटरसाइकिल है, दिस इज़ फॉर सेल इन रेस डायनेमिक्स लखनऊ। तो मुझे प्राइस का कुछ भी आइडिया नहीं, एक प्रॉपर ऐसे बॉबर वाला फील दे रही है। आगे हैवी टायर, और ये टायर की अगर बात करें तो ये हैं टिम्सन के टायर लगे हैं। टायर की स्पेक का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ टिम्सन के हैं दोनों आगे पीछे के टायर्स। और आगे का भी काफ़ी वाइड है, पीछे का भी मतलब अच्छा खासा वाइड लग रहा है, डिफरेंट लुक आ रहा है देखने में। पीछे से सिंगल सीटर ऑप्शन आपको मिल रहा है इस गाड़ी में, और नंबर प्लेट भी आप देख सकते हो कैसी दी गई है, एकदम डिफरेंट रेट्रो स्टाइल में। और हर जगह वही सेम फिनिश आपको मिल जाएगा, बाकी पूरी गाड़ी मैट ब्लैक है, और हर जगह ये जो कॉपर गोल्ड है ना उससे टच दिया गया है। यहाँ पर एक लाइट लगाई गई है पीछे, और उसके अलावा आप देख सकते हो जो आगे की हेडलाइट है दैट इज़ ऑल्सो चेंज्ड। तो ऐसी लाइट तो ऑफकोर्स नहीं आती है आरी में, इसमें आपको एक रिंग मिल जाएगी, फिर कुछ छोटे प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, बीच में डिफरेंट लाइट मिल जाएगी। तो हर एक चीज़ इस गाड़ी की बड़ी यूनिक है, हर एक चीज़ इस गाड़ी का चेंज है। अगर आप आगे मडगार्ड देखोगे तो मडगार्ड भी डिफरेंट दे रखा है, बड़ा छोटा सा लगाया हुआ है। और सस्पेंशन रॉड है वो भी कवर कर दी गई है पूरी, जिससे दिखे ना। और देखते हैं इसमें कौन सी, हाँ इसमें नॉर्मल सस्पेंशन है, जो एकदम पुरानी वाली बुलेट आती थी वो वाले नहीं है। बाकी इसमें सेल्फ स्टार्ट आपको मिलता है, और एक चीज़ और, इसका जो इग्निशन है वो यहाँ से ऑन होता है, और जो फ्यूल वाला है दैट टू उसको भी आप चाबी से यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिससे कोई फ्यूल चोरी ना करे। ऑल दो ऊपर से कर सकता है क्योंकि ऊपर से इसमें लॉक नहीं है। बाकी ओवरऑल ये एक जावा पिराग जैसा जो लुक है ना, वैसा फिनिश दिया गया है। मैट ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल है। एक के बारे में तो आपको दिखा दिया, एक बार उस साइड से इसका एग्जॉस्ट भी चेक करा देते हैं। तो एग्जॉस्ट में भी बड़ा डिफरेंट दे रखा है, आप देख सकते हो कैसा लगा हुआ है। नॉर्मल जो पाइप था वो काट दिया गया है, उसके बाद ये एंड कैन लगा दी, खैर गर्म नहीं है, स्टार्ट करी थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे जो इसका बैटरी वोल्टेज मीटर है वो है, आप देख सकते हो। और बाकी तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। बैक से कुछ ऐसा लुक है इसका खतरनाक सा। हेलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइड करते हैं। इसकी चाबी मिल गई हमें, और इसमें एक्चुअली दो चाबी लगती हैं, ये वाली इधर लगेगी, ये वाली यहाँ पे। ये फ्यूल अभी खुला है कि बंद है, उधर को ऑन होगा मैं लग रहा है, ये हाँ अब ऑन हुआ। और बाकी एक चाबी इधर लगेगी इग्निशन की, ये हो गई। और इसमें कोई लाइट वाइट तो जलती नहीं, पता चलता नहीं कैसे वाली जलती है। जब एक बार मैं कंफ्यूज हो गया था, ये वाली इंडिकेटर दे के पता चला, हाँ अभी इग्निशन ऑन है। ये वाला इधर को दिया, मीटर है ही नहीं, ये इधर दे रखा है फ्यूल का, ये वाला। सो चलो इट्स टाइम टू राइड दिस ब्यूटी, चला के देखते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा इसको, देखते हैं कैसी है ये चलने में। और सामने खड़ी है 48, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हार्लेस। चलो और हैंडल बार इतना वाइड है ना भाई, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है मैं पूरा एक पाइप पकड़ा हुआ है बड़ा सा, बहुत ही ज्यादा वाइड हैंडल बार मिल रहा है। उस वाली रॉयल एनफील्ड ने काफी ज्यादा वेट शेड कर दिया है, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील हो रही है, चाहे वो चलाने पे हो, चाहे आप
गाड़ी खड़ी हो, आप इस पर बैठोगे, आगे पीछे खड़ोगे, मोड़ोगे, तो आपको डेफिनेटली इसका वेट बहुत कम फील होने वाला है। और मुझे लगता है फ्यूल को लगाना पड़ेगा रिजर्व में, क्योंकि इसमें फ्यूल कम दिखा रहा था। सही बताऊँ तो रॉयल इनफील्ड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने जब जब चलाई है रॉयल इनफील्ड, बहुत ही पुरानी वाली, तो कहीं ना कहीं जाके वो बंद हुई है एट द एंड। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत के साथ वो स्टार्ट भी हुई है। आपको बताता हूँ रॉयल इनफील्ड के बारे में एक फैक्ट कि रॉयल इनफील्ड्स आर वेरी इजी टू बिल्ड। मतलब इसको छोटे से छोटा मैकेनिक भी सही कर सकता है या कर सकता था, बिकॉज अब FI वाली आ गई। जब तक कार्बोरेटर था तब तक उसको कोई भी एक रिंच लेके या जो भी छोटे मोटे टूल्स चाहिए उनकी मदद से सही कर सकता था, बट अब ऐसा नहीं है। लेफ़्ट टर्न ले लिया बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है। पता नहीं क्या सीन है यार, मुझे लगता है जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। बाकी अटेंशन तो काफ़ी मिल रहा है। इस वाली मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाती है, और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है इस मोटरसाइकिल का लुक। मतलब इतनी ज़्यादा ऑसम लग रही है भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या सेक्सी लुक एंड फील आ रहा है। हैंडल बार एकदम जैसे अमेरिकन चॉपर्स होती है ना, उस स्टाइल में हैंडल बार दे रखा है। और मैं इस टाइम गलियों में व्लॉग कर रहा हूँ, गलियों में व्लॉग मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे देखो क्या हाल है ट्रैफिक का। मतलब बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। और बड़ी स्मूथ, बड़ी रिफाइंड चल रही है, और ऐसा लग रहा है बहुत ही कम चली हुई मोटरसाइकिल है। बाय द वे दिस वन इज़ फॉर सेल, और इसमें 2,20,000 रुपये लगे पूरे कस्टमाइजेशन पे। एक एक चीज़ इसकी कस्टम है, हर चीज़ आफ्टर मार्केट है। सिंगल सीटर मोटरसाइकिल है, ऑफकोर्स नीतीश भैया इसको डबल सीट भी कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। जब जावा पिराग डबल सीट हो सकती है तो कोई भी गाड़ी हो सकती है भाई। यार क्यों ट्रैफिक है यार, मुझे इन्जॉय करना था रॉयल इनफील्ड को, मूड ख़राब हो जाता है भाई। और मुझे लग रहा था कि एग्जॉस्ट बीच से चॉप करके उसमें जो आफ्टर मार्केट वो लगा दिया गया, उसके बाद आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड आएगी, बहुत तेज़ आएगी, बट आवाज़ बहुत डिसेंट आ रही है। जैसी एक बुलेट में होनी चाहिए आवाज़ वैसी आ रही है। बाय द वे एक बार जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं रॉयल इनफील्ड नहीं बोलता हूँ, मुझे बचपन से इसको बुलेट बोलने की आदत पड़ी है मेरे घर पे, स्टार्टिंग से रही है। मेरे डैडी खुद इतने ज़्यादा शौकीन है बुलेट के, तो स्टार्टिंग से बुलेट बोलना सिखाया गया है, तो वो इनहेरिटेड है भाई। वो आप लोग देख लेना, मैं बुलेट ही बोलूँगा इसको 350। बाकी आवाज़ देख रहे हो क्या बात है, एकदम रौले वाली गाड़ी लग रही है। इसको लेके अगर आप जाओगे ना तो भाई रौला मच जाएगा लॉन्डो में, सच में गज़ब फील आ रहा है भाई। मैंने कहा ना अमेरिकन चॉपर जैसा फील आ रहा है इस मोटरसाइकिल को चला के मुझे। तो एक बार क्या करेंगे ना, इधर जाएंगे, इस रोड पे चढ़ाएंगे, जहाँ जाम होगा फिर घुमा लेंगे, क्योंकि मुझे इसको चलाने का मन है और जाम की वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, तो अंदर से बुरा भी लग रहा है। टर्न लेते हैं और भगा के देखते हैं हल्का सा, कैसा स्टेबिलिटी, कैसी हैंडलिंग है। भाई दिस थिंग इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस मैन, ऑल ओवर द प्लेस, क्या चीज़ है बॉस, एकदम अलग एक्सपीरियंस है। अब पता है हैंडल बार बहुत बड़ा है तो मोड़ने में आसानी भी हो रही है, और थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी फील हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ऐसी मोटरसाइकिल मैंने कभी चलाई नहीं जिसका हैंडल इतना बड़ा हो भाई साइज़ में। आ गए ट्रैफिक वाले एरिया में वापस, तो मुझे लगता है यार इतना ही मैं चला पाऊँगा इसको। बाकी बाइक मैंने दिखा तो आपको पूरी दी है, और आप लोग को ये भी दिख गया होगा कि कितना ज़्यादा इसमें चेंजेस किए गए। एक्चुअली पूरी बाइक ही चेंज है, और सबसे मुझे लग रहा है प्रीमियम चीज़ तो ये सब जो हुआ है इस गाड़ी पे, पूरी जो इंग्रेविंग हुई है, एक एक चीज़ चेंज की गई है, इवन जो टैंक पे भी टेक्सचर दिया गया है, यही बहुत प्रीमियम लग रहा है देख के मुझे। ज़बरदस्त यार ये पेंट ब्रश या पता नहीं किस चीज़ से किया गया है। तो चलो चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड भैया इसको मोड़ने में इतना बड़ा हैंडल है ना कि मोड़ने में थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है। बाकी यार बहुत यूनिक, अगर कोई रॉयल इनफील्ड लवर है तो उसके लिए तो ये चीज़ अलग ही है। ठीक है।
तो आई होप आपको ये वाले व्लॉग में मजा आया होगा और कैसी लगी ये वाली रॉयल एनफील्ड कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बहुत ही ज़बरदस्त फोटोज़ आई हैं और काफ़ी कुछ आने भी वाला है चैनल पे, मुझे लगता है बाइक रिवील और ये सब बहुत कुछ होने वाला है। सबसे खतरनाक दिवाली के पटाखे अपने चैनल पे फटने वाले हैं इस बार, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो एंड सी यू फ्रॉम द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।